वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑफिस प्रोसीजर्स की आपकी क्लास है जो हम क्विक रिवीजन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? निटर चंडीगढ़ के सेक्शन ऑफिसर ग्रेड टू पोस्ट के लिए। एग्जाम शेड्यूल ड्यू कोर्स आपको देखने को मिलेगा निटर की साइट पे। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है, ये आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। बाकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की प्रिपरेशन की क्लासेस ऑलरेडी हमारी वर्किंग है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सीसीएस रूल्स की हमारी प्रीवियस क्लासेस एएसओ के लिए जो एग्जाम आपका हो चुका है और जिसका आप देखोगे कल यानी 23 को, आपको सिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। तो 60 कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल जिनको बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए। 60 हैं या 61 हैं आप एक बार चेक कर लेना। तो क्विक रिवीजन है ऑफिस प्रोसीजर्स का, हर एक क्लास में काम आएगा आपके ये, चाहे डबल एओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे वीडियो आपने देख ली होगी, हालांकि आपको बता दें नेटर चेन्नई में भी ग्रुप सी की पोस्टें अवेलेबल हैं आपके लिए। ग्रुप बी और ए की पोस्टों का डिस्कशन बहुत जल्दी करेंगे हम, साथ के साथ में फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट का भी रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट करें हमारी लेटेस्ट वीडियो। तो ऑफिस प्रोसीजर्स के क्विक रिवीजन में दोस्तों एज पर सिलेबस हम बात करेंगे। टॉपिक होगा हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। ठीक है, क्या होगा हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, ये आप देखोगे सिलेबस चेक करोगे, एएसओ में भी था आपके सेक्शन ऑफिसर में भी है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले जो आपको समझना जरूरी है वो समझना जरूरी है बच्चों आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्ड ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एमजीएमटी यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपका होता क्या है? ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। मेनली कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं तो शॉर्ट में आप देखो, पहले वीडियो को आप अच्छे से देखना, उसके बाद आप अपने नोट प्रिपेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसमें क्या होती है इंक्लूड एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पहली एक्टिविटी है बच्चों इसमें जो आपकी आती है रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे आपकी वीडियो के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेकंड आपका आ जाता है रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन होता है उसको बनाए रखना, होल्ड करना, प्रिजर्व करना। ठीक है, जैसे म्यूजियम में हम लोग करते हैं। थर्ड पे आएगा आपका रिट्रीवल या रिट्राइवल। ठीक है, अब रिकॉर्ड तो रखा हुआ है उसको रिट्राइव भी करना है कि कहां पे है क्या चीज है। और एक टाइम के बाद जब टाइम आता है तो उसको वीडिंग आउट यानी कि नष्ट भी करना होता है, इसका मतलब होता है नष्ट करना, है ना। अब ये रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल में मेंशन है कि किस डॉक्यूमेंट को कितने सालों के अंदर आपने वीड आउट करना है, कितने सालों तक रिटेंशन में रखना है, बना के रखना है। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज मेनली रिकॉर्डिंग रिटेंशन रिट्रीवल एंड वीडिंग आउट, क्या ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड की एजेंसी होगी ना, जो भी कोई रिकॉर्ड की एजेंसी होगी वो किसके हिसाब से काम करेगी, वो करेगी आपका। हाँ, सेकेंड टॉपिक की बात कर लेते हैं डीआरओ की। डीआरओ क्या होता है? तो डीआरओ होता है बच्चों आपका डिपार्टमेंटल, ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, क्या होता है आपका ये डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर। ठीक है, डीआरओ हो गया आपका डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। अब इसके इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपने याद रखनी कि कम से कम जो रैंक है ना उसकी, हम यहां पे लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, समझ में आपको आ गया है, कम से कम रैंक बनने के लिए ना, डीआरओ बनने के लिए कम से कम रैंक ना दोस्तों सेक्शन ऑफिसर की चाहिए। तो आप भी सेक्शन ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हो, तो कल को अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर बनाया जाएगा तो एटलीस्ट सेक्शन ऑफिसर आप होने चाहिए। ये चीज मेंशन है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, आपके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें याद करेंगे डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए कि जो भी आपका रिकॉर्ड है वो किसके परसुएंस में होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम जो भी आपका डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड एज पर प्रोविजन
किसके प्रोविजन पे होता है, तो आपने वो एक्ट याद रखनी है। कौन कौन सा होता है? वो होता है आपका, सॉरी इसको कट करेंगे, वो होता है आपका, सॉरी गलत हो गया ये, एक मिनट ड्रॉप कर देते हैं। हाँ तो फोकस करो, किसका होता है वो, क्या रिकॉर्ड के हिसाब से होता है? वो होता है साथियों आपका पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, इसके हिसाब से होता है या किसके हिसाब से होता है? दूसरा आपका आ जाता है बच्चों पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स, एक एक्ट है एक रूल्स है 1997। तो ये प्रोविजन होता है आपका किसी भी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को बनाने का, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के तहत आपको डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखो बात जो टॉपिक है ना हमारा, मैं इसको आपका हाईलाइट कर देते हैं या इसको इनबॉक्स कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। वैसे तो टॉपिक हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, लेकिन सबसे पहले ना रिकॉर्ड के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये हो गया क्लियर? चल तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल में अब हम बात करेंगे आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा कैसे, थोड़ा सा समझना है, फिर हम उसी टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट स्टेजेस क्या है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो बच्चों देखो क्या होगा, ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। पहले आप रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे, ठीक है, तो रिकॉर्ड क्रिएशन होगा पहले नंबर पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे अब उस रिकॉर्ड को यूज भी तो करोगे ना, जो भी आपने किसी भी तरह से यूज करना है, उसको बनाया है तो किसी ना किसी लिए बनाया होगा। यूज करने के बाद क्या करोगे, अब आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। पहले तो रिकॉर्ड को क्रिएट किया, फिर यूज किया, फिर उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, यानी सेव कर लिया कहीं ना कहीं पे। फिर आप क्या करोगे, अब आप उसका रिटेंशन रखोगे कि कब तक रखना है इसको, तो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा फोर्थ। फोर्थ के बाद में जो फिफ्थ पॉइंट होगा आपका, वो होगा अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ट्रांसफर टू डी आर आर। अब ये चीज आपको बतानी है कमेंट करके, ठीक है, DRR क्या होता है, नहीं तो वीडियो में हम आपको कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट बच्चों सिक्स जो होगा आपका, वो होगा अब आप उसको रिव्यू करोगे, ठीक है। रिव्यू में ही देखना है आपने कि इसको वीड आउट करना है, वीड आउट करें या नहीं, ठीक है, इसीलिए होता है रिव्यू। सेवेंथ पॉइंट रिव्यू के बाद आ जाता है आपका, अब रिकॉर्ड का अप्रेजल करना है, ठीक है, जैसे एम्प्लॉई का अप्रेजल होता है, तो अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा आपका। इसके बाद में होगा आपका नेक्स्ट ट्रांसफर टू NIA, ट्रांसफर टू NIA नहीं NAI, वो NIA तो कुछ और हो जाएगा, है ना। अब ये मैंने आपको लास्ट जो ASU की क्लास पढ़ाई थी ना, इसमें इसकी फुल फॉर्म बताई थी, है ना। ये जैसे नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है NAI, तो आपने कमेंट करके बताना है कि NAI है क्या। ओके बच्चों, चलो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है इसमें एवरीथिंग। अब आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट की स्टेजेस आपको पता लग गई सारी की सारी। अब आपको कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड बताएंगे, कैटेगरी वाइज उस हिसाब से ही उसका रिटेंशन होगा। तो रिटेंशन के लिए थोड़ा सा रुकना है, क्लास मजेदार रहेगी आपकी, ठीक है। अब इसमें हम आपको कैटेगरीज देखेंगे क्या क्या होंगी, कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स। तो देखो कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स क्या क्या होंगी आपकी, जो आपने बेसिकली याद रखनी है। चलो हाफ स्क्रीन में आपको ये बता देते हैं। फर्स्ट में देखो बच्चे आ जाएगी आपकी कैटेगरी, ये ए कैटेगरी, ठीक है। सेकंड होगा आपका कैटेगरी बी, थर्ड होगा आपका क्या लगता है, कैटेगरी सी, ऑब्वियसली कैटेगरी सी। फोर्थ होगा कैटेगरी डी, लेकिन फोर्थ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तीन कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो कैटेगरी ए का मतलब क्या है,
इस कैटेगरी ए में करना क्या होता है? इस कैटेगरी ए में करना होता है आपको, यहां पे बताएंगे अब आपको, इसमें आपको कीप करना है, रखना है उसको, और माइक्रोफिल्म, समझते हो ना आप, माइक्रोफिल्म बनाते हैं जिसको, वो आपका किसी भी तरह से जल्दी से खराब नहीं होता, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज आपने परमानेंट, ये लिखे गए यहां पे माइक्रोफिल्म के बारे में, जो चीजें आपने ना परमानेंट क्या करनी है, एक तरह से जो आपने परमानेंट प्रिजर्व करनी है, उसके लिए ये माइक्रोफिल्म को यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया ना आपको? परमानेंट प्रिजर्वेंस वो किस लिए हो सकता है? परमानेंट प्रिजर्वेंस लाइक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो भाई परमानेंट प्रिजर्वेंस में ही आता है आपका, ठीक है? तो जो भी चीजें आपकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की होंगी उनको आप माइक्रोफिल्म करोगे, ये आपका मेंशन्ड है कैटेगरी ए के अंदर। कैटेगरी बी में क्या होता है? कैटेगरी बी में रखना तो है, कीप तो करना है, बट नॉट माइक्रोफिल्म, उसकी हमने माइक्रोफिल्म नहीं बनानी, बस ये आपने याद रखना है। मतलब उसको रखना है बट माइक्रोफिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परमानेंट प्रिजर्वेशन के काम आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, ओके? हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की बात नहीं होती, आपको प्रिजर्व कराने की बात इसमें नहीं होती। क्लियर हो गया? आपको बेसिक बेसिक ऐसे ही पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में ऐसे ही आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा पेपर, लेकिन फिर भी हम आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रहे हैं, तो आपने याद रखना। तीसरे वाले में होगा कीप तो करना है आपने, बट किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक पीरियड ओनली, स्पेसिफिक पीरियड ओनली, यही पेपर में पूछा जाता है आपका, कि इस कैटेगरी में जो चीजें होती हैं इंपोर्टेंस की, उनको एक लिमिटेड पीरियड के लिए कैटेगराइज किया जाता है, बट कितने पीरियड के लिए? सी में। तो सी में जो रखोगे ना आप, ये क्वेश्चन था होपफुली, शायद एएसओ में था ये या कहीं और होगा, कितने साल के लिए? तो हम यहां पे लिखते हैं कितने इयर्स के लिए रिकॉर्ड कीप करते हैं इसमें, रिकॉर्ड कीप, तो इसमें करते हैं बच्चों 10 इयर्स के लिए, ठीक है? हो गया ना एक आंसर, ये हो गया आंसर आपका 10 इयर्स। तो ये आपका एक तरह से क्वेश्चन था, यहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आ गया होगा? अगर रिकॉर्ड को, एक चीज और याद रखनी है इसमें, इफ रिकॉर्ड रिटेंशन करना है, यही तो पढ़ा रहे हैं हम आपको, अगर रिकॉर्ड रिटेंशन करना है तो क्या करोगे इसको? कैटेगरी बी में, ठीक है, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करेंगे। तो होपफुली हिंदी इंग्लिश दोनों में तरीके से बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है। समझ गए होंगे? अगर आपको रिकॉर्ड को रिटेंशन करना है तो आप कैटेगरी बी में अपग्रेड करेंगे। तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड समझो, कैटेगरी ए में आता है कीप एंड माइक्रोफिल्म, कैटेगरी बी में आपका आ जाता है कीप बट नॉट माइक्रोफिल्म, कैटेगरी सी में आ जाता है कीप फॉर स्पेसिफिक पीरियड ओनली, ठीक है? कितने साल के लिए रिकॉर्ड कीप करते हैं? 10 साल के लिए। अगर उससे ज्यादा करना है तो कैटेगरी बी में उसको हम क्या करेंगे? अपग्रेड कर देंगे, ठीक है? ये बेसिक सी बात है जो आपको समझानी थी इस क्लास के अंदर। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी आपको समझ में आया? पेपर में होपफुली आपने अगर कहीं पे पेपर दिया होगा तो आपको जरूर ये चीज देखने को मिली होगी, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आ जाता है आपका, एक तरह से हम जो मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, ठीक है? अब आपके टॉपिक पे हम आ गए हैं, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल किस लिए बनाया जाता है? एंश्योर करने के लिए जो फाइल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, और ना उनको एक पीरियड से ज्यादा रख सकते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाता है।
कि भाई 15 साल इस चीज को रखना है, 20 साल इस चीज को रखना है, 5 साल इस चीज को रखना है। रखना भी है, प्री मेच्योरली डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है और ज्यादा टाइम तक भी नहीं रखना है। उसके लिए होता है आपका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है यहां पे, क्वेश्चन वाइज ही समझा रहे हैं हम आपको, समझ लेना ठीक है, कि रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। बच्चों शॉर्ट में समझना इसको, रिकॉर्ड रिटेंशन जो शेड्यूल है उसको रिव्यू कितने साल के अंदर करना चाहिए, ठीक है। रिव्यू एट लीस्ट इन, सॉरी वंस लिख देते हैं ठीक है, कि कम से कम एक बार, एट लीस्ट वंस इन, तो यहां पे आपका आंसर होगा 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के अंदर आपने रिव्यू करना जरूरी है। हो गया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपको जो समझने वाली बात है। बाकी आप क्या करोगे, जैसे जो भी अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स गिवन है कि भाई जीएफआर रूल्स के हिसाब से कोई जो रिकॉर्ड है अकाउंट्स का, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको जीएफआर की पढ़नी पड़ेंगी रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के लिए। ये तो क्लियर है ना? तो यही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर कोई रिकॉर्ड आप मिनिमम, हमने आपको बात बता दी कि आप कम से कम 5 साल में उसको रिव्यू कराएंगे, और एनएआई की फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, ये याद रखना जरूरी है। इसके बारे में एएसओ की क्लास में हमने जरूर बताया, पुरानी क्लासेस जरूर देखना, ये मत सोचना वो आपके काम नहीं आएंगी। तो इसकी फुल फॉर्म थी आपकी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, कब बना, कहाँ हेडक्वार्टर है, सब मेंशनड है उस क्लास के अंदर। तो क्लास को देखो आप, ढूंढो पढ़ो, ज्यादा क्लासेस नहीं है जो हमारी, इसके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हो गया ना आपका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल की ये बात। वीडिंग आउट का भी इसी में डिस्कशन होगा, उससे पहले हम बात कर लेंगे कस्टडी की, ठीक है, कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स, कि रिकॉर्ड्स की कस्टडी कैसे रहती है, भाई कहां पे सेफ रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको अरेंज उसको सेक्शंस के हिसाब से करना है 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं। आपको किस में अरेंज करना है, सेक्शंस में या डेस्क में। उसके बाद उसको डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है 1 साल के बाद, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे कस्टडी में क्या लिखेंगे हम, नॉट मोर देन 1 ईयर्स, नॉट मोर देन 1 ईयर्स इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम। तब तक आपको बता दिया ना, सेक्शंस में या आप जैसे रखना चाहो डेस्क के हिसाब से आप रख सकते हो उसको। क्लियर हो गया? अगर किसी सेक्शन का वर्क ट्रांसफर होता है ना, वर्क ट्रांसफर ऑफ वन सेक्शन, ठीक है, वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, वन सेक्शन टू अनदर, आप इस चीज को नोट कर लेना बाद में, पहले पहले समझ लो इस चीज को, ठीक है। तो रिलेटेड फाइल्स शुड बी ट्रांसफर्ड, यही होता है आपका रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड की कस्टडी, शुड बी ट्रांसफर्ड। अब जब सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और सेक्शन ऑफिसर को दी गई है, तो जो भी रिकॉर्ड है वो उसकी कस्टडी में चला जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। और जो फाइल को ट्रांसफर किया जाता है किसी सेक्शन से डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में, उसकी एक लिस्ट ऑफ फाइल्स आप डुप्लीकेट में अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको पता रहे जब आपको जरूरत पड़े कि तब आप उसको चीज को रिटेन कर सको, ढूंढ सको, और उसके जो भी रिलेटेड वर्क हैं आप सेक्शन वाइज सेपरेटली फाइल कवर्स में उनको चाहो तो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी। अब इसके लिए क्या करना है, ये कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड की बात चल रही है, तो थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, आपने एक रजिस्टर बनाना है जिसको बोलेंगे आर आर आर। ये मूवी वाला आर आर नहीं है, ये है आपका रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर, ठीक है।
रिकॉर्ड रिव्यू एक रजिस्टर है जो बना के रखना है, जिसके हिसाब से कुछ अपने जो पेजेस बचा के रखने फ्यूचर ईयर्स के लिए कि भाई आगे भी चीज ऐड होती जाएंगी उसमें। कैटेगरी सी की जो फाइल्स हैं उनको रिव्यू के लिए एक पार्टिकुलर ईयर के अंदर आपको एंटर करना होता है जो पेज आपने ईयर मार्क करे हैं उस रजिस्टर। मतलब कि जो कैटेगरी सी की फाइल्स हैं उसको मार्क किया जाता है फॉर रिव्यू के लिए, मार्क्ड फॉर रिव्यू। जो आपने कैटेगरी सी की फाइल मार्क्ड फॉर रिव्यू है उनके लिए आप क्या करोगे, ईयर मार्क कर दोगे। ईयर मार्क होता है रिजर्व कर दोगे कुछ पेजेस को, ईयर मार्क्ड फॉर दैट ईयर इन अ रजिस्टर, दैट ईयर इन अ रजिस्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। फोर्थ में क्या होगा, जो फाइल आप देख रहे हो 25 साल जिसको पूरे हो गए हैं, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है NAI, या क्वेश्चन लगा लो NAI को कौन सी फाइल जाती है, कौन सी फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 25 साल हो गए हैं जिसको, ठीक है, जिसको 25 साल हो चुके हैं उसको आप NAI यानी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देते हो। ये क्लियर हुई ना आपको? और जो भी चीजें आप NAI को करोगे तो वो ट्रिपलिक, एक ट्रिपलिक इसको बोलेंगे हम, ट्रिप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी रखेंगे उसकी हम जो चीज भेजेंगे। भाई ट्रिप्लीकेट किस किस के लिए रखी है आपने बताओ, किस किस के लिए? एक तो बच्चों NAI के लिए कॉपी जाएगी आपकी, ठीक है, जो रिटर्न करेंगे। एक आपका डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के लिए होगी, DRR के लिए, क्लियर सी बात है ना? और एक कॉपी क्या है, जो सेक्शन है या कोई चीज है वो अपने पास रिटेन करेगा। तो जो भी फाइल ट्रांसफर होंगी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को, वो उनकी एक लिस्ट बनेगी, एक कॉपी उनमें से जो होगी वो NAI रिटेन करेगा ड्यूली साइंड, और दूसरी है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम। अब डिपार्टमेंटल जो रिकॉर्ड रूम है वो क्या है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि आपका जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। अगर पेपर में पूछा जाता है ना कि डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम कैसा होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, यहां पे लिख देंगे हम फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए उसके अंदर, इक्विपमेंट्स, ठीक है, हो गया फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। थर्ड पे आपकी जो बात होगी, डस्टेड होना चाहिए यानी डस्टिंग रेगुलरली। और फोर्थ जो पॉइंट होगा आपने जो याद रखना है, इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा एक जो प्रॉपर है एजुकेट या प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए वहां पे, ठीक है, लाइटिंग, सॉरी नॉट लाइटनिंग, इट्स लाइटिंग। तो ये है आपका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल की बेसिक बेसिक बातें। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको क्या क्या कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिव्यू के बारे में कराएंगे उसी रिकॉर्ड का, वीडिंग आउट के बारे में कराएंगे कि किस किस चीज को वीडिंग आउट किस किस हिसाब से करना है, ठीक है, ये बातें होंगी जो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर होंगी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी बातें होंगी, यानी यहां पे हम लिख देते हैं आपके जो MCQ सेशन है वो नेक्स्ट क्लास में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बेसिकली यही है। बाकी रिक्विजिशनिंग भी है, अगर देखेंगे सिलेबस में होगा तो रिक्विजिशनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड्स को अगर रिक्विजिस करता है तो किस हिसाब से उनको मिल जाता है वो रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा जरूरी रह जाएगा आपका रिकॉर्ड रिटेंशन से, ठीक है। जो जो पर्पज वाली चीजें हैं, किस किस लिए पर्पज की हैं, वो एक बार सिलेबस को रिव्यू करेंगे हम और उस हिसाब से आपको करवा दें। तो साथियों क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मन्ना तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश CKCCS रूल्स की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कोई क्वेरी होती है तो मन्ना तो ऑफिशियल 14@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात रही आपकी प्रिपरेशन की, तो सेक्शन ऑफिसर का आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, प्लस मेंबरशिप का अलग से ग्रुप अवेलेबल है, उसको किस तरह से ज्वाइन करना है आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां से आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आप देखोगे नेक्स्ट मंथ होपफुली अक्टूबर में आपको एग्जाम का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा नेटर का, सेक्शन ऑफिसर का।
बाकी प्रिपरेशन करते रहिए, बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।